हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। पीएम मोदी से मुलाकात के बाद सीएम नायब सिंह सैनी ने कहा कि विकास के काम चल रहे हैं, उसके ऊपर चर्चा की है, क्या क्या काम करने हैं इसको लेकर पीएम मोदी ने जानकारी ली है। साथ ही उन्होंने विधानसभा चुनाव को लेकर भी जानकारी ली और फीडबैक लिया। भूपेंद्र हुड्डा से जुड़े ईडी के मुद्दे पर उन्होंने कहा कि ईडी एक स्वतंत्र एजेंसी है, जहां उन्हें ठीक लगता है वो कार्रवाई करती है। देखिए, ईडी का काम है और ईडी जहां पर भी उनको गलत लगता है वो अपनी स्वतंत्र एजेंसी है, ईडी वो कार्रवाई करती है, वो ईडी का विषय है, ईडी जहां भी कार्रवाई करेगी तो वो करेंगे। आम आदमी पार्टी के अकेले चुनाव लड़ने पर मुख्यमंत्री सैनी ने कटाक्ष किया और कहा कि वे एक झूठ का सहारा लेकर साथ हुए थे। एक झूठ का सहारा लेकर के इकट्ठा हुए थे और इनके अलग अलग सबके विजन हैं, अलग अलग इनकी धाराएं हैं, एक धारा में तो चल नहीं सकते, परंतु इन्होंने इकट्ठे होकर के कि मोदी को कैसे रोका जाए, परंतु ये नाकाम रहे मोदी को रोकने में। मोदी जी बहुत बड़े मैंडेट के साथ तीसरी बार इस भारत के प्रधान सेवक बने हैं, लोग चाहते हैं मोदी जी को, मोदी जी से प्रेम करते हैं लोग और मोदी जी गरीब की चिंता करते हैं। मैंने तो आज देखा, क्योंकि मैं जब मिलने के लिए गया, जितनी योजनाएं केंद्र सरकार की गरीबों के हित में चल रही हैं, एक एक योजना का डीपली उन्होंने चर्चा की है कि वहां तक लाभ पहुंच रहा है या नहीं पहुंच रहा। ये बात प्रधानमंत्री जी पूछना, जो योजना बननी ये गरीब के लिए एक उसके विकास में ये मील का पत्थर होगा, क्योंकि अगर प्रधानमंत्री इतनी चिंता कर रहा है गरीब व्यक्ति की और वो पूछ रहा है कि हमने ये योजना चलाई थी, इस योजना का नीचे तक लाभ पहुंच रहा नहीं पहुंच रहा, तो गरीबों को आज इस बात की चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आज एक ऐसे सेवक के रूप में जो लोगों की ही सेवा करने के लिए इस देश को आगे बढ़ाने के लिए बैठा है और उसकी चिंता कर रहा है, ये मेरे लिए बड़े खुशी की बात है। कावड़ यात्रा पर मुख्यमंत्री ने कहा कि विपक्ष के पास कोई मुद्दा नहीं है। मुख्यमंत्री नायब सिंह ने सरकार के काम की तारीफ की। नहीं, देखिए, विपक्ष के पास कोई मुद्दा नहीं है, विपक्ष इस प्रकार के मुद्दों को कहीं ना कहीं समाज के साथ जोड़ने का काम करता है। हमारे जो कांवड़िए हैं वो शुद्ध शाकाहारी हैं, शाकाहारी होते हैं, कोई पता नहीं चलता अभी कहाँ पर कोई अगर मांस बन रहा है या कुछ और है, तो कम से कम ये तो ध्यान में रहे ना दुकान के आगे, जहाँ उन्हें भोजन करना है, जहाँ उसने रुकना है, तो वो कम से कम इस बात का तो ध्यान रहेगा ना भी यहाँ किस प्रकार का सामान वो बनता है। अच्छा है जो निर्णय किया है सरकार ने, उसकी मैं प्रशंसा करता हूँ। कुल मिलाकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुख्यमंत्री नायब सिंह की मुलाकात काफी खास रही, तमाम मुद्दों पर मंथन किया गया। सूर्या समाचार के लिए दिल्ली से विनय सिंह की रिपोर्ट।